हेलो। बस सर, जॉगिंग कर रहा था, घर पे हूँ सर। क्या हो गया? निकलता हूँ तुरंत। संग्राम, मेन गेट सील करवाओ और ध्यान रहे कोई बाहर नहीं जाने पाए। जी सर। ये कहाँ से आ गया? सर आप भी? हाँ, तफ्तीश शुरू तो नहीं हुई ना? बस अब शुरू करने वाला था। एक काम कर, तू ना रहने दे, ये केस मैं अपने अंडर ले रहा हूँ। सर ये केस मेरे एरिया में आता है सर। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ना कि ये केस मैं अपने अंडर ले रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लूँगा, फिलहाल ठंड रख। यस सर। ये बैरियर हटवाओ, सबको बताने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है। जी सर। फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म किया? कई बार फोन किया सर, फोन ही नहीं उठा रहे। हवलदार को भेजा है मैंने। जैसे ही वहां से कोई आता है सबसे पहले मुझे इत्तला करना। जी। बैरियर हटा दो भाई। यहां से ना तो कोई बंदा और ना ही कोई खबर यहां से बाहर जानी चाहिए। ठीक। जी सर। हाँ जी सर। आई एम श्रीकांत अवस्थी, यहाँ का जनरल मैनेजर। चलें? जी सर। तो बताएंगे हुआ क्या एग्जैक्टली? जैसे कि आपने सुना होगा, आज होटल में बहुत बड़ी पार्टी थी। शाम से ही नाच गाना, कॉकटेल्स, मुंबई से बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, वानी चोपड़ा के गेस्ट। फिर करीबन 9 बजे एंगेजमेंट सेरेमनी हुई, वो दोनों बहुत खुश थे, सब गेस्ट भी। मजाक मस्ती, शोर शराबा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर करीबन 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई और फिर 1 बजे अचानक पता चला कि ये स्वीट है सर। बहुत ही बेरहमी से हमारे लड़की। जी है। सुनो, इस बारे में किसी और को पता है? नहीं सर, सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म किया है। मेरा मतलब है पुलिस के अलावा? नहीं सर। एक काम कर, मेरी गाड़ी में ना बोतल पड़ी,
निकल ला। गाड़ी से क्यों, मैं यहीं से मंगवा देता हूँ ना। अरे जितना कहा जाए ना तेरे से उतना कर। अभी लाया। मिल गया। अरे यहाँ तो फूलों का बगीचा लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। अरे कहाँ गुस्सा चला आ रहा है, क्राइम सीन है, बार बार कर। वो अवस्थी सर ने भेजा है। अरे कहाँ ना तेरे से, अवस्थी सर के डालिए पिछवाड़े में, चल निकल बार। कौन से रूम में कौन कौन था तारा, नाम दिखा मेरे को। जागे कि नहीं फोरेंसिक वाले, बुलाओ सालों को और वो गलोट को भी। खुद मर गए क्या फोरेंसिक वाले, अब क्या तेरी भी पे आएंगे। जी जो जो काम कहा था आपने सब पूरा कर दिया, अब सब ठीक है वहां। जी बुढ़ा सला ठरकी। कोई भी नया बंदा आता है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, आईडी लॉक कर सबकी। सर फोरेंसिक 5 मिनट दूर है सर। कुछ हुआ सर? कुछ होगा तो पता चल जाएगा। सर देख गहलोत, बड़ा केस है और बड़े नाम शामिल है, थोड़ी सी भी चूक हुई तो हम में से किसी की भी गर्दन कट सकती है। ओके सर। समझ गए आगे नहीं तेरे। अच्छा अपनी टीम के साथ जाके बाहर रुक और देखो कुछ उत्यापन हो। ठीक है सर। जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। सर ये रजिस्टर में सारे गेस्ट के नाम, रूम नंबर। ये कौन है? सर ये ठक्कर साहब, वो यहीं बैठे। सबका स्टेटमेंट ले लिया? नहीं सर अभी नहीं, अभी किसी को बताया नहीं है सर। क्यों, कोई मुहूर्त निकालने का वेट हो रहा है? बिना तफ्तीश के किलर के बारे में पता कर लेगा। सर हीरोइन मरी है सर, मीडिया हंगामा करने लगेगी। सारे गेस्ट को बुला यहीं और सबके मोबाइल फोन कॉन्फिस्केट कर। जी सर। और होटल का लैंडलाइन, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग, तुरंत ब्लॉक करो। मैं कर रहा हूँ सर। गेस्ट में से एक गेस्ट मिसिंग है सर। कौन? सर वही जिनका वानी जी के साथ एंगेजमेंट हुआ था, कार्तिक शर्मा। किसी अनजान आदमी को गाड़ी में बिठा लिया है तो वो घना कांड कर देगी मेरा। इंसानियत के नाते सही, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, मुझे थोड़ी दूर तक प्लीज। पेट्रोलिंग मैन को इन्फॉर्म कर दो और शहर में नाकाबंदी लगवा दो। जी सर। देख क्या रहा है, ये भांडों का गाना बंद करा और एक ड्रिंक लेके आ मेरे साथ। जी सर भेजता हूँ। एक बंदा मिसिंग है, वो कार्तिक शर्मा, वाणी कपूर का मंगेतर। किसी को पता नहीं कहाँ गया,
हो सकता है वानी की डेड बॉडी देख के घबरा गया, और या फिर हो सकता है कि उसी ने जी। ऐसा क्या घृणा कांड कर दिया आपने भाया? और अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो पुलिस के पास जाना चाहिए ना। पुलिस? नहीं नहीं भाई साहब, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। मैं मतलब पुलिस का भी भरोसा नहीं है, फिर हम ही चूती हैं कि आपका भरोसा कर लें? नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ भाई साहब। आप बस एक काम करो ना, मुझे शहर के बाहर कहीं भी छोड़ दो, बस बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। प्लीज भाई साहब। हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ, पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। शिखा, फोन नंबर 8818158, रूम नंबर 412। वो भी एक्टर ही है? कौन सर? वानी चोपड़ा का मंगेतर। कार्तिक शर्मा? नहीं सर, वो तो राइटर है, फिल्म राइटर, काफी फिल्में लिखी है उन्होंने, चैंपियन, राजा रानी और चोर, और वो मर्डर मिस्ट्री कातिल कौन। साला लगता है अपनी फिल्मों से कुछ ज्यादा इंस्पायर हो रखा है। फोटो है? जी सर। सर ये क्या है गांडू? सर वो फोटो कातिल, उसका फोटो नहीं है। सॉरी सर, मुझे लगा आप वो पोस्टर कातिल। सॉरी सर, गांडू बना रहा। कार्तिक शर्मा पकड़े से। ड्रिंक लेके आए और फोटो भेजा है। कार्तिक शर्मा मर्डर सस्पेक्ट है, शहर छोड़ने की कोशिश करेगा, हर हाल में चाहिए मुझे, समझ गए? ये कहाँ फंस गया यार? कौन फंस गया? अरे वो सामने देखो ना भाई साहब, पुलिस का चेक पोस्ट है। अरे ये चेक पोस्ट हमेशा से है, आप टेंशन मत लो। अरे यार मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज भाई साहब दूसरा रास्ता ले लो यार प्लीज। अरे दूसरा रास्ता घना लंबा है। तो वहाँ से ले लो ना यार, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे मुझे टैक्सी ड्राइवर समझाए क्या है? यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। प्लीज अभी आप यहाँ से यू टर्न ले लो, प्लीज दूसरा रास्ते से ले लो ना प्लीज। रोको 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 रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, आगे लाओ आगे लाओ आगे लाओ। खिड़की खोलो। नाम क्या है? मनोहर। लाइसेंस दिखाओ। हाँ आया आया, यहीं रुकना, अभी आ रहा साहब।
भाई साहब देखो भाया, आपके साथ मेरा बहुत घना कांड हो गया। अब मैं सीधा अपनी जोरू के पास जाऊंगा और उसके साथ सुंदर कांड करूंगा। आप भाया अपना देख लो, मने माफ़ करो। लेकिन भाई साहब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा भाई साहब? आपने पुलिस के पास तो जाना नहीं है। अब अगर आपकी इस हालत में कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ राजा जी हैं। भाई साहब मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ। भाई साहब मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ पे राजा सुजान सिंह को सब जानते हैं। पास में उनकी हवेली है। अगर मर्जी हो तो चले जाना, शायद कुछ मदद मिल जाए। और अगर मर्जी ना हो तो जैसी आपकी मर्जी। आप समझ नहीं रहे, मैं जानता हूँ मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ। गाड़ी से उतर जा भाई साहब। लेकिन आप गेट आउट आउट गेट आउट। गुड इवनिंग सर। साढ़े इतनी देर से फोन ट्राई कर रहे थे, घोड़े बैठ के सो रहे थे क्या? सर मेरा फोन साइलेंट में था। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? ध्यान से सुनो, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये। एक्ट्रेस मरी है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस मरी है, और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन क्रूशल है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यस सर। हेलो बाबू, क्या हुआ? वो साहब, अरे बोल क्या हुआ? जी मुझे सुजान सिंह जी से मिलना है। आपका नाम? जी करण, करण वर्मा जी। मुझे मुझसे आइए। राजा जी तो अभी अभी निकले हैं, मैं रानी साहब को बुलाता हूँ। आप यहीं रुकिए। काका ने कहा कि कोई करण वो मैं अरे अरे प्लीज अंदर आओ ना, आओ 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 प्लीज आओ। राइटर का फोन ट्राई किया? किया था सर, लेकिन बंद आ रहा है। लगातार ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो ऑन करेगा यूज करने के लिए। और सर्वेलेंस टीम से उसका नंबर शेयर कर लो।
बोलो लास्ट लोकेशन पता करें, सारा काम छोड़ के इस पे लगे। जी सर। ये सर्विलेंस रूम कहाँ है? सर इस तरफ रिसेप्शन एरिया के जस्ट पीछे। एक काम कर, गाड़ी से ना मेरी बोतल भेज, ये मैं देखता हूँ। जी सर। यकीन ही नहीं हो रहा है तुम यहाँ मेरे साथ। एक्चुअली मैं वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ? एक मिनट, तुम्हें पता था? नहीं, मैं तो सुजान, ये सुजान सिंह जी की हवेली है ना? हाँ, हवेली भी उनकी, मैं भी उनकी। सुजान सिंह जी की? वो मेरे पति हैं। I'm really sorry वासु कि मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। I'm really sorry। वासु, मैं तुम्हें देखकर और तुम जाने की बात कह रहे हो। मैं इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूँ वासु की, मैं बाद में तुमसे आकर मिलूंगा। तुम्हें उनसे काम था ना, तो मिलकर जाओ, इसी बहाने देख लेना कैसा पति चुना है तुम्हारी वासु की ने। ये मौका ठीक नहीं है वासु की, मैंने कहा ना मैं बाद में आकर मिलूंगा तुमसे, मैं चलता हूं अभी। 12 साल बाद मिले हो कार्तिक, फिर से भाग रहे हो, आज तुम्हें भागने नहीं दूंगी। क्या हुआ कार्तिक? हाँ? हुआ क्या है? बहुत टेंस लग रहे हो तुम। सुजान सिंह जी से अभी मुलाकात हो पाएगी? वो तो अभी नहीं है। सुजान सिंह जी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम अभी एक पार्टी से वापस लौटे, सुजान मुझे ड्रॉप करके किसी काम से गए हैं। फिलहाल इतने अरसे बाद मिले हैं हम, कुछ मेरे बारे में भी तो पूछ सकते हो। मुझे तो आज भी वो दिन याद है, जैसे कल की ही बात हो। सॉरी वासुकी, मैं घबरा गया था, लाइफ करियर कुछ भी तो शेप में नहीं था, ऐसे में शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से उठाता? तुम तो हमेशा से जानती थी ना, मैं मुंबई जाना चाहता था, बड़ा राइटर बनना चाहता था, नाम कमाना चाहता था। मैंने तुम्हें दोष दिया? गलती जो थी मेरी ही थी, मैं ही पागल थी तुम्हारे लिए, इतना तो तुम्हें जान लिया था। दिमाग कह रहा था कि तुम नहीं आओगे, पर ये दिल नहीं मान रहा था, तो दर्द तो मुझे मिलना ही था। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या काम था सुजान से, मुझे बताओ, मेरा कहा वो कभी नहीं टालते। बहुत बड़ा तमाशा हो गया यार, मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम भी यकीन नहीं करोगी, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा। अरे हुआ क्या है? आज मेरी एंगेजमेंट थी। एंगेजमेंट? वाणी के साथ। एक अजीब सी कशिश थी उसमें, जो फैसला मैंने कभी किसी के साथ नहीं लिया, वो 6 महीने के रिश्ते में वाणी के साथ ले लिया मैंने। बहुत खुश थे हम। Guys, we have come together for this special day in the lives of our friends, Vani and Kartik. ये दिन हमारे लिए भी खास है भाई, कि हमारे को मौका मिल रहा है इस खास दिन का भागीदार बनने के लिए। मैं चाहता हूँ आप दोनों ऐसे ही खुश रहें, और तू राइटर, तेरे को इसे खुश रखना पड़ेगा पूरी जिंदगी,
क्योंकि शी इज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, यू नो दैट. ओके, लेट्स डू द फॉर्मेलिटी. यार कोई सीटी वीटी में बजाओ यार. She really was the queen, queen of hearts, and a queen has too many admirers. सड़ा अफीम पी के बैठे हो क्या सबके सब? सॉरी ने डाल अपनी गांड में, समझ में आई? और ढूंढ उसे अभी के अभी. इलाके का हर घर होटल सब छान मार और रिपोर्ट कर. संग्राम, सीसीटीवी रूम में आओ. जी सर. ये आईटी वाले से कुछ पता लगा? अब तक तो नहीं सर, लेकिन वो लोग लगे हुए हैं. सो तो नहीं गए ना ये फॉरेंसिक वालों की तरह? अरे नहीं सर, वो लोग ट्रेस कर रहे हैं. वो वाईफाई का प्रॉब्लम है सर, इंटरनेट स्लो है. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पता चल जाएगा. टाइम तो नहीं है मेरे पास. स्टोरी चाहिए, स्टोरी. स्टोरी नहीं सर, मोटिव चाहिए. अच्छा, अब तू भी गाना राइटर बन गया के? सॉरी सर. देख संग्राम, ये फिल्मी लोगों का केस जरूर है, पर काम फिल्मी तरीके से नहीं करना, समझा? जी सर. हर कहानी वैसी नहीं होती है जैसे दिखाई देती है. कहानी में ट्विस्ट ढूंढना पड़ता है. रियान, रियान मुस्तफा प्रोड्यूसर है ना भाई. गूगल पे काफी तारीफें हैं आपके बारे में. सर मीडिया वाले तो कुछ भी छाप लेंगे. ये वाणी को आपने लॉन्च किया था ना? मैंने बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है. इस बात का इस समय क्या मतलब? अरे प्रोड्यूसर डट जा. ये हो ना तेरा मुंबई ना है कि फोन घुमाया और सब सेट हो गया, समझ में आया तेरे? जो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना उसका सीधे सीधे जवाब दे. तू ही है ना जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा? कैसे? सर मैं उन दोनों के रूम की तरफ गया था, वो दरवाजा खुला हुआ था, अंदर चला गया, देखा वाणी खून में लथपथ थी और कार्तिक नहीं था वहां पर. सवाल ये है कि आधी रात में तू वहां करने क्या गया था? ऐसा कौन सा काम आ गया था आधी रात में? रियान मुस्तफा, तेरा बटन का टूट गया? पता नहीं सर. मैं बता देता हूँ, मानी चोपड़ा के कमरे में. सवाल ये है वहाँ पहुँचा कैसे? नहीं व्हाट डू यू मीन?
जब तू मन ने ये बता कि इस पिक्चर में जो फिल्म चल रही से उसकी कहानी कैसे है? आई वॉज ड्रंक, बहुत चढ़ गई थी मुझे और पुरानी बातें याद आने लगी। पुरानी बातें जैसे कि? वानी को मैंने लॉन्च किया था, उस टाइम हम बहुत क्लोज आ गए थे। तो इसका मतलब ये मीडिया वाले ऐसे ही खबर नहीं छाप देते, कुछ तो सच भी लिख ही देते हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, आपकी भलाई इसी में है कि सारी बातें साफ साफ कर दो, फिल्म में जल्दी रिलीज कर दूंगा। यू डिच्ड ना? हाँ, ओके, आई नो, आई नो। हम मिलते हैं फिर शूट पे। ओके ओके, बाय। ओके, अरे कुछ तो कंट्रोल करो, अब तो मैं पूरा वक्त तुम्हारी ही साथ रहने वाली हूँ। कार्तिक, रेहान, फक रेहान, मनी, आई लव यू, स्टॉप इट। फिर क्या हुआ? होना क्या था? मैं अपना आपा खो बैठा, चीखने चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई तूफान है जो एकदम से फट गया। तुम ये औकात भूल गया? कुत्ते तेरे को फेंकी हुई हड्डियां उठाने की आदत जो है। I've screwed her much before you had even thought about her. Yes, my friend, I fucked this pretty woman so many times that I've lost the count. Shut up. तो स्टोरी का विलेन है तू, हैं? चले एक बात बता, ये प्यार था या ठरक? मैंने सुना है फिल्म लाइन वाले प्यार बार कुछ जानते नहीं है, यहाँ रिश्ते भी बिजनेस की तरह होते हैं। लगता है रेहान साहब आप मूव ऑन नहीं कर पाए। नहीं सर, थोड़ा नशे में था पर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। और यदि उसी नशे में वानी का मर्डर कर दिया हो तो, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं इंडस्ट्री को जानता नहीं, वानी के बारे में भी। I felt cheated, I was hurt. वानी जितना मुझे समझाने की कोशिश करती मुझे उतना ही उस पर गुस्सा आता। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। शायद बहुत ज्यादा पी ली थी मैंने, इतनी कि एक पॉइंट के बाद मेरे लिए सब कुछ अंधेरा था। कुछ तो याद होगा कार्तिक। बस इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो कार्तिक को कब से जानता है? उसको मैंने ही अपनी पहली फिल्म में लॉन्च किया था, वानी और वो दोनों एक साथ मेरे सेट पे मिले थे। अच्छा, गॉडफादर।
एक आर्थिक मर्डर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और ये तो जगह से पता, उसमें बुरी आदत थी, वो दारू पी के बहुत वायलेंट हो जाता था। तू भी तो इस बात का फायदा उठा सकता है। सर मैं यहाँ बैठा हूँ, वो फरार है, इतनी गणित तो आपको समझ आ रही होगी। गणित तो मेरी बहुत बढ़िया है रेहान साहब। जैसे कोई लीड मिली? नहीं सर, सब कह रहे हैं कि कार्तिक और वाणी में सब ठीक था। फोरेंसिक वालों से? वो एविडेंस कलेक्ट करा लिए सर, और बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक काम कर, गैस सेना रेहान के बारे में पता कर। बाकी इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने के पार्टी के वीडियो बनाए होंगे, फोटोएं ली होंगी, हर एक का फ़ोन चेक कर, कुछ भी सस्पिशियस मिले तो मुझे रिपोर्ट कर। बाकी इस रेहान का मैं मुंह खुलवाने की कोशिश कर। अपने गुस्से पे तुम्हारा शुरू से कंट्रोल नहीं था, मगर वाणी को मैंने मारा नहीं। ऑफ कोर्स, वैसे मुझे भी नहीं मारा था तुमने, मगर तुम्हारे गुस्से की चोट लगी थी मुझे। ये निशान याद है? अच्छा है? अच्छा तो है, लेकिन तुम्हें उस होटल की खबर कैसे लगी? जरूरत पड़ने पर सब खबर लग जाती है। पर ये सेफ तो है ना? तुम्हारी इतनी फटती क्यों है? फटती है मेरी? फटती है मेरी? अच्छा, फटती है मेरी? बताऊं मैं तुम्हें, फटती है मेरी? फटती है? कहानी सही है, बस एंड में प्रॉब्लम है। कैरेक्टर की जर्नी कहीं पहुंचनी चाहिए, पहुंच नहीं रही है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कैरेक्टर को कहां लेकर जाएं? खत्म कर दो, किल हिम। जैसे मजनू मरा, रांझे की जान गई। यू सी, लव स्टोरी में मजा तभी आता है जब प्यार करने वाले की जान जाए, है ना? अरे हंस क्यों रहे हो? Tell me if I'm wrong. No, you're not. It's a good idea. Not a good idea. Great idea. अरे वाह, मैं कहानी ठिकाने लगा रही थी और आपने पूरी बॉटल निपटा दी। अरे यार तुम पढ़ रही थी, मैं excited हो रही थी। अच्छा एक बात बताओ। ये कमरा यहाँ बुक करने का आइडिया तुम्हें कैसे आया? अरे कहा ना, जरूरत थी तो जुगाड़ कर लिया। नहीं नहीं, ऐसी जगह आने के लिए सिर्फ जुगाड़ नहीं चलता है, कलेजे में हिम्मत चाहिए। मतलब रिसेप्शन पर झूठ बोलने की प्रैक्टिस, तुमने पहले भी झूठ बोला। कार्तिक यहाँ आई हो ना तुम पहले? कार्तिक क्या कह रहे हो तुम? किसके साथ आई? कार्तिक प्लीज बताओ ना किसके साथ? कार्तिक मजाक मत करो। किसके साथ? कार्तिक क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? किसके साथ आई? कार्तिक यू हर्टिंग मी। किसके साथ आई तुम? बताओ। कार्तिक, कार्तिक बताओ ना, किसके साथ आई? बताओ ना। मैं मानता हूँ वासुकी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत पुरानी बात है, मैं भी क्या क्या याद करती रहती हूँ, भूल जाओ। वासुकी मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मुझे पता है कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम करोगे, वरना किस्मत मुझे यहाँ तुम्हारे पास लेकर क्यों आती? और सुजान सिंह जी तो यहाँ के राजा हैं, उनके सब जगह कनेक्शन है, तुम उनसे कहोगी तो शायद कुछ बन पाए, शायद मैं बच जाऊँ। फिक्र मत करो, मैं जरूर कहूंगी उनसे। एक बार उनको फोन, लगता है सुजान सिंह जी आ गए। पुलिस आई है।
साला तेरा बॉलीवुड ना है और ये कोई फिल्म की कहानी ना चल रही है कि जैसी मर्जी दिखाएगा और पब्लिक साला चूतिया बन जाएगी। सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। साले अभी जबरदस्ती की कहा तेरे साथ, मैं तो साला यहीं धर लूं। मैं काटू तेरे पे लगता है 302, 7 और 4 मर्डर बनता सीधे सीधे और 7 लगता है 375 रेप है और अटेम्प्ट टू रेप। जबरदस्ती कर रहे हैं क्या ये? क्या ये फुटेज तो मर्डर के पहले का है? क्या करने गया था वहां? अब मैं सुना तो तुझे कहानी पसंद में आए, फिल्म जरूर बनाई हो। अपनी टाइम पास गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ शादी करते देख देर से राना गया। उसको पाने की नाकाम कोशिश के बाद मार डाला और इल्जाम लगा दिया उसके मंगेतर पर। सर ये बकवास है। साला बकवास ना, ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है और ये रहा इसका सबूत। सर मैं गया था रूम पेपर में, बाहर से ही चला आया। ना तू तो उसके मत्था टेकने गया था भाई। सर सॉरी बोलने गया था लेकिन लेकिन नहीं मांगी। आप आगे की फुटेज देख लीजिए। मैं चूतिया समझ रखा क्या मन्ने? आगे की फुटेज है ही ना। बहुत शातिर खिलाड़ी है भाई तू। नहीं सर मैं मेरे को क्या बच ना पाएगा तुम इससे ना। रे संग्राम। ये सर दरला साले मैनेजर को ताबड़ तोड़। जी सर। असुकी कार्तिक मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं। असुकी प्लीज मुझे मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई नहीं है, क्या देख रहे हो? संभालो अपने आप को। आसुकी तुम प्लीज एक बार बात कर लो ना सुजान सिंह जी से, उनसे फोन करके बात कर लो ना। प्लीज एक बार बात कर लो उनसे। प्लीज करूंगी। आ आ रॉयल फैमिली में होने के काफी फायदे होते हैं। पुलिस भी दहलीज के अंदर आने से पहले 10 बार सोचती है। बैठो। चलो कुछ वक्त के लिए तो खतरा टल गया, पर लगता है तुम्हारी तलाश पूरे शहर में हो रही है, वरना हवेली तक तो कोई नहीं आता। सुजान सिंह जी के कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात का भरोसा करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? मैं कहूंगी तो जरूर करेंगे, उनसे वो बहुत प्यार करते हैं। और तुम कहोगी ना? कहना ही पड़ेगा। 12 साल पहले ही सही, प्यार तो मैंने भी किया था ना तुमसे। उस वक्त तो तुमने प्यार किया था ना मुझसे? हाँ वासुकी किया था। उतना ही जितना मैंने तुमसे किया था शायद, और उतना ही प्यार वाणी से भी किया होगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, कुछ वक्त के लिए ही सही, अगर तुम प्यार में होते हो ना बहुत पोसेसिव हो जाते हो। मैंने खुद देखा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर उस वक्त उस लड़की के बारे में कुछ गलत सुनो या देखो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पर एक बात सच सच बताओ और ठंडे दिमाग से सोच कर, तुम श्योर हो ना कि वाणी को तुमने नशे में
या गुस्से में? नाम क्या है? सर, शिप्रा सोनी। शिप्रा जी, आपको पता है कि आपके होटल के स्वीट नंबर 503 में कौन रुका हुआ था? जी सर, पूरे होटल को पता था, स्पेशल गेस्ट थे हमारे। मिली थी आप उनसे, वानी और कार्तिक से? मैंने कुछ पूछा है आपसे? जी सर, मैं उनकी स्वीट में ऑर्डर लेके गई थी। कितने बजे? सर कुछ 11:15 बजे होंगे। और ऑर्डर क्या था? सर रोज वाइन। किसने दिया था ऑर्डर? या रूम सर्विस मैम, कांट यू गाइस फकिंग लीव मी अलोन? सॉरी मैम। कम इन मैम, रेहान सर ने भेजा है और आपको सॉरी भी बोला है। अच्छा, और जब ऑर्डर लेकर गई तो क्या हो रहा था रूम में? सर कुछ नहीं, वानिश जी ने अंदर आने को बोला और मैं वाइन रखकर वापस आ गई। और कार्तिक? कार्तिक तो वहां नहीं दिखे सर। बेबी वी नीड टू टॉक। देखो रेहान ने सॉरी कहा है। ओके मैम, वाइन भेजी है। हैव अ गुड इवनिंग। कार्तिक प्लीज, अब बहुत हो गया, आ जाओ बाहर प्लीज। शायद अंदर वॉशरूम में। और जब वानी से मिली, आपको लगा कि वो किसी भी दबाव में है या स्ट्रेस में है या कुछ और आपने नोट किया हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। आप लोग जा सकते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा है? तेरे बटन सिलने आ जा। टेंशन में ड्रिंक लगाएगा? मैं ठीक हूँ। ठीक है। दो बात की एक बात, ये सुबह हुकुम आने वाले हैं और उनके आने से पहले मुझे एक स्टोरी तैयार करनी है। बस दुआ कर कि सुबह होने से पहले कार्तिक मिल जाए, वरना फिलहाल मेरी स्टोरी का विलन तू है। पी लो, हल्का महसूस करोगे। किसे पता था कि हम दोबारा मिलेंगे, वो भी इस तरह? सब कुछ सपना सा लग रहा है। किसे पता था कि मेरी जिंदगी इतनी उलझने वाली है? सुजान सिंह जी कब तक आएंगे? आ जाएंगे, चिंता मत करो। एक फोन कर लो उनको। तुम्हारे आने से पहले ही बात हुई थी, बार बार कॉल करना उनको पसंद नहीं आता। सब ठीक है ना वासु की? आई मीन तुम्हारे और सुजान सिंह जी के बीच में। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आई डोंट नो।
वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, खुश हूं मैं। तो अगर ये उसके कमरे में कभी गया ही नहीं तो फिर कौन? मेरी छोड़ो, तुम बताओ। पन्ने पर तो कहानी को अंजाम दे देते हो पर लाइफ में डरते हो? डरता हूं मतलब? पुरानी प्रॉब्लम है तुम्हारी। कहानी अच्छी लिख लेते हो पर उसका एंड तुमसे सेट नहीं हो पाता, इधर उधर भागते रहते हो, इसलिए तो अब तक कोई रिश्ता पूरा निभा ही नहीं पाए। पहले मैं, फिर कोई और, फिर कोई और। पूरी खबर रखती हो तुम मेरे यहाँ? झूठ नहीं कहूंगी, थोड़ा बहुत तो स्टॉक कर लेती हूँ। मीडिया वाले कुछ भी लिखते हैं, ये सब सच थोड़ी होता है। मैं तुम्हें जानती हूँ कार्तिक, तुम्हारे सोचने की तरीका, तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स सब पता था, पता है मुझे। तो क्या सच है और क्या झूठ पता चल ही जाता है। खैर छोड़ो, आओ। अरे आओ तो। सर, सर्विलेंस वालों का फोन आया, कार्तिक का लास्ट लोकेशन मिल गया। कहाँ का लोकेशन है? रतनगढ़ चेक पोस्ट के पास। सर, राजा जी की हवेली के पास। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो। ये है मेरी दुनिया, हॉबी ही समझ लो। रॉयल फैमिली में घर बैठ के करने को तो खास कुछ होता नहीं है, तो मैंने अपने लिए ये शौक पाल लिए। नई पुरानी सब यादें इकट्ठे करती गई। ये देखो, पुश्तैनी हथियार, वो नेपाल के महाराजा ने गिफ्ट किया था। देखो, उठा लो। और ये वाला इधर, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। इधर आओ, टर्की से लेकर आए थे, इस्तांबुल से। खोलो तो। नहीं ठीक है ये। अरे खोल कर देखो। वैसे तुम्हारे हाथ में पेन ही ठीक है। सर, आप खुद एक रॉयल फैमिली से आते हो, आपके काम करने का तरीका भी एकदम खानदानी है, मतलब आराम आराम से। इस केस को सॉल्व करने की इतनी जल्दी क्यों? ये केस को ना जल्दी सुलटाना है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वक्त लगेगा केस उतना बड़ा होता जाएगा और उतना ही उलझता जाएगा। तो सर, आप इस केस को अप्रोच कैसे कर रहे हैं? देखो संग्राम, किसी भी गुत्थी को सुलझाना आसान हो जाता है अगर आप गुत्थी को पीछे से देखना शुरू करते हो। Amazing shot, we'll do one more quickly.
व्हाट अ शॉट वाणी जी, कमाल. रियली? मतलब पब्लिक पागल होने वाली है. और अगला शॉट? अगला शॉट मैम हम टू शॉट लगाएंगे और उसके बाद पैकअप है, फिर तीन दिन का हॉलीडे है. देर आर ब्यूटिफुल प्लेसेस टू रूम अराउंड. ये यहाँ के राजा है, राजा सुजन सिंह. अच्छा. थैंक यू सो मच राजा साहब हम लोगों को यहाँ शूटिंग की परमिशन देने के लिए. माय प्लेजर. राजा साहब ये हैं वानी, वानी चोपड़ा. इन्हें कौन नहीं जानता. और वानी ये हैं रतनगढ़ के राजा, राजा सुजान सिंह. उम्मीद है कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी. नॉट एट ऑल राजा साहब. सुजान. Sure. मैम शॉट इज रेडी. Would you excuse me, please? ठीक है आप शूटिंग कीजिए, फिर मिलते हैं. Of course. सुजान. एक मीटिंग अरेंज करो हमारी प्राइवेट में. चोटर की सलाह. बहुत कम दिन का शेड्यूल है आपका यहाँ. खैर कैसी लगी हमारी रियासत? बहुत खूबसूरत. जी करता है यहीं रह जाऊं. आप ही की है, रह जाइए. रहने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए. काफी वजह है. अच्छा जैसे कि? जैसे कि कोई एक बागीचा हो. बस इस बागीचे में आप जैसे गुलाब की कमी है. That's very flattering, Sujan. एक काम करते हैं, आपकी अगली फिल्म हम फाइनेंस करते हैं. यही बनाइए. इसी बहाने आप यही रहेंगी. Your offer is too good to be true. You, my darling, are too good to be true. कार्तिक को वाणी के कांड के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने वाणी को मार दिया, है ना सर? सब फटाफट चाहिए हैं तुझे. कहानी सुन ले पूरी, सीधा क्लाइमेक्स से पहुंच जाता. सॉरी सर, आप बोलो. जाहिर है अगर ये एक प्लान्ड मर्डर था तो प्लानिंग पहले हुई होगी. ये सुजान सिंह और वानी मिलते तो रहे, लेकिन सुजान कभी भी वानी के स्वीट में नहीं गए. हालांकि वानी सुजान के स्वीट में जरूर गई. मर्डर हुआ तो वानी के स्वीट में, लेकिन फिर दो दिन पहले की फुटेज में कुछ ऐसा दिख गया जिस पे शायद किसी और का ध्यान ना गया. अब अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हुआ है तो फिर कहानी पूरी हो गई. कितने थके हुए लग रहे हो तुम, बिल्कुल पसीने में नहाए हुए. एक काम करो, घूमो, जैकेट उतार लो. नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक हूँ मैं. अरे फ्रेश हो लो, अच्छा लगेगा. मुझे दे दो. किस तरफ से? उधर उस कोने में जाओ.
उस रात मैं इंतजार करती रही और तुम नहीं आए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उस एक इंतजार ने कैसे मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। तीन दिन के अंदर सुजान के साथ मेरी शादी तय कर दी गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ जैसे होता गया बस होने दिया। तुम्हारे ना आने का बदला शायद खुद से ले रही थी। शुरू शुरू के कुछ महीने तो बहुत ही अजीब भी थे, जैसे नींद में चल रही थी। दाएं कहो दाएं चलने लगती, बाएं कहो बाएं घूम जाती, तकिए में मुंह छिपाए रोती रहती। आसान नहीं था मेरे लिए, पर कहना पड़ेगा, सुजान नहीं पहल की। उन्होंने वो सब कुछ दिया जिसकी ख्वाहिश किसी भी लड़की को होती है। वो वाकई में मुझसे प्यार करने लगे। उन्होंने ही मुझे दोबारा प्यार करना सिखाया। धीरे धीरे मैं भी उनसे प्यार करने लगी। हमारी कोई औलाद नहीं थी, पर इसका भी कोई मलाल नहीं था सुजान को। मुझे लगने लग गया कि उनसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। और ऐसे ही निकल गए 12 साल। 12 साल। और फिर 6 दिन पहले मैं सोच रही थी आज कहीं घूमने चलते हैं। आज नहीं जा सकते, हमें थोड़ा काम है। कैसा काम? आप हमारे काम में इंटरेस्ट कब से लेने लगी? बता तो सकते हैं, पत्नी है हम आपकी। फिर पत्नी बन के रहिए, जासूस बनने की कोशिश मत कीजिए। कोई तुम्हें कितना प्यार करता है, इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि कोई तुम्हें कब तक प्यार करता है ना कार्तिक? तुम्हारे साथ 3 साल का प्यार
फिर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। सुजान के साथ 12 साल का प्यार और फिर उन्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। मैं ये भी बर्दाश्त कर लेती शायद अगर दो तरफा मार नहीं पड़ी होती। हाँ बोलो। एंगेजमेंट किस? कार्तिक, सुजान ने मुझे धोखा देकर मेरे अस्तित्व को ही हिला दिया था। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और फिर छीन भी लिया। और जब ये पता चला कि जिसके लिए उन्होंने मुझे ठुकराया वो और कोई नहीं तुम्हारी मंगेतर है, तब मैं उसे कैसे माफ करती? अब शायद तुम मेरे दर्द को समझ पाओ, कैसा लगता है जब कोई अपना तुम्हें चोट देता है। बकवास कर रही हो तुम, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। वानी वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। Never, never, she would never do that. वैसे वानी चाहती तो तुम्हें सुजान के बारे में बता सकती थी, लेकिन मुझे पता था उसने ऐसा किया नहीं होगा। Hey, what's up? Hey, where are you? अरे मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा हूँ यार, कहाँ हो तुम? What? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सरप्राइज देने आया हूँ यार, सब आए हैं, तुम्हारे दोस्त, मेरे दोस्त। तुम्हें याद है वानी? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब ये बड़ा वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा ना, वी गेट एंगेज्ड। और वो प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। Wow, that's amazing, Karthik. तुम मिलो ना, सब कुछ मिलके बताता हूँ तुम्हें। आ रही हूँ, लॉबी में मिलते हैं। ओके, आई एम वेटिंग, जल्दी आओ। टाइम फॉर ड्रिंक? नो थैंक यू। सब ठीक? मुझे जाना होगा। मतलब? मेरे बॉयफ्रेंड यहाँ आ गए हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। क्या? एंगेजमेंट करने। वानी, तुमने खून किया है। You have killed your husband, और अब तुम अपने मन में कहानियां बना रही हो। कहानी बनाने का काम तो तुम्हारा है, मैं तो बस एंड रीराइट कर रही थी। सच सच बताओ वासुकी, वानी को किसने? पहले मुझे लगा कि वानी क्यों, उससे क्या रिश्ता? फिर लगा क्यों नहीं, हर बार खुद को ही सजा क्यों दूं, जिनकी गलती उन्हें सजा क्यों ना मिले। वानी और कार्तिक किस रूम में रुके? वहां सीसीटीवी भी लगे होंगे ना? सुनो, एक काम करो, शिप्रा की फैमिली पर हमारे बहुत एहसान हैं और राजस्थान में लोग एहसान चुकाने के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मनन, किसका ऑर्डर है? अरे जिसकी एंगेजमेंट है, वानी चोपड़ा और कार्तिक, उसका। क्यों? उन्होंने ऑर्डर किया? नहीं, उनके साथ जो रिहान रहते हैं ना प्रोड्यूसर, उन्होंने ये भी बोला मेरी तरफ से सॉरी बोल दूँ।
सारे लोग फोन करके क्यों नहीं सॉरी बोलते हैं? यार मैं ना वानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं दे आऊँ साथ में एक सेल्फी भी ले लूँगी प्लीज। हाँ थैंक्स। जा मैम, रेहान सर ने भेजा है और आपको सॉरी भी बोला है। बेबी बेबी वी नीड टू टॉक, देखो रेहान ने सॉरी कहा है, वाइन भेजी है। कार्तिक प्लीज प्लीज कम आउट। ओके मैम, हैव अ गुड इवनिंग। अब बहुत हो गया, आ जाओ बाहर प्लीज। मैम वो काम हो गया है। पांच मिनट बाद सीसीटीवी वापस ऑन कर दो। मैं देखना चाहती थी कि वानी की मरने की खबर सुनकर सुजान कैसे रिएक्ट करते हैं। वानी चोपड़ा का मर्डर हो गया हुकुम। व्हाट? कब हुआ? एक काम करो, उसका फोन है वहां, उठा लो। मिल गया। उधर एक बुके भी होगा, उसमें एक नेम टैग होगा, हटाओ उसे। बहुत परेशान लग रहे हैं आप। वानी का मर्डर हो गया है ना?
आपको कैसे पता? अगर मैं कहूं कि वानी को मैंने ही मारा है तो उसने आपको मुझसे छीन लिया था ना, इसलिए मैंने उसे मार दिया उसी के कमरे में। वासुकी, पागल हो गए क्या? ये क्या किया आपने? गॉड, मर्डर हुआ है हमारे होटल में और तुम कह रहे हो सब ठीक है? अभी कहां हो तुम? अभी निकला सर। अभी वापस जाओ, केस अपने अंडर लो और सारा इन्वेस्टिगेशन भी। जी क्या सलाह थर की? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो इतने सालों मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे सुजान? चुप हो जाओ वासुकी, प्लीज लेट मी फिक्स दिस मेस यू मेड हियर फर्स्ट। प्लीज जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके? आई जस्ट नीड टू फिक्स दिस। हाँ बोलो। एक बंदा मिसिंग है। कौन? वो कार्तिक शर्मा, वानी कपूर का मंगेतर। मिसिंग है मतलब? किसी को पता नहीं कहाँ गया है। हो सकता है वानी की डेड बॉडी देख के घबरा गया हो, और या फिर हो सकता है। अरे ये तो ओपन एंड शट केस है ना अलावत, फौरन ढूंढो उसे और किसी भी कीमत पे सुबह से पहले उसे अरेस्ट करो। वानी में ऐसा क्या दिख गया आपको बताइए ना, मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर वानी और सुजान तुम्हारे गुनहगार थे तो तुम्हारे हिसाब से तो मैं भी था। क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, जानना था कि कभी तुमने मुझसे प्यार किया था भी या नहीं। तुमसे मिलने के बाद ही फैसला कर सकती थी तुम्हारे बारे में। और तुम्हें यकीन था कि मैं यहीं आऊंगा? उस कार का वहां रुकना इत्तेफाक नहीं था कार्तिक, मनोहर मेरे कहने पर ही उस वक्त वहां था। जी रानी साहब। अब तुम मुझसे पूछोगे कि वानी की लाश देखने के बाद जो जो तुमने किया वो क्या मुझे पहले से मालूम था? याद है कॉलेज में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे? याद करो। साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी। नॉट बैड। ये दोनों सब्जेक्ट्स आज भी मुझे उतने ही पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रैक्टिकल यूज भी करके देख लो। और देखो आई वॉज राइट। वानी की लाश देखने के बाद तुम्हारे पास थे दो ऑप्शंस। ऑप्शन ए, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करते। ऑप्शन बी, पैनिक करते और वहां से भाग जाते। तुम हमेशा मुसीबत से भागते हो, उस वक्त वही आसान लगता है तुम्हें, और तुमने वही किया। तुमने ऑप्शन बी चुना और भाग गए वहां से। होटल से भागने के बाद तुम्हारे पास थे दो ऑप्शंस। ऑप्शन ए, किसी खास दोस्त को फोन करते, उसे पूरी बात बताते और उसे मदद मांगते। ऑप्शन बी, शहर छोड़कर भागते। अब इस शहर में तुम्हारा खास तो कोई है नहीं, तो बचा
एक ही ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी। उसी वक्त मेरा भेजा हुआ आदमी वहां आया, तुमने लिफ्ट ले ली। और फिर जब तुमने देखा कि शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस का बंदोबस्त है, तो तुम्हारे पास थे दो ऑप्शंस। ऑप्शन ए, तुम पुलिस के पास जाते, सरेंडर करते। ऑप्शन बी, जब तक भाग सकते भागते, जब तक कि ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से बचने की थोड़ी सी भी गुंजाइश दिख जाए। मेरे आदमी ने वही किया। तुम्हें सुजान के बारे में बताया और तुम यहां चले आए। तो बताइए राइटर बाबू, कहानी तो मैं भी अच्छी लिख लेती हूँ, तो क्या हुआ अगर वो कहानी असलियत में घटी हो तो? तुम भी मारो, तुम्हें पता है ना पागल हो तुम। इस बहाने तो मेरे करीब तो आए। पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें सजा। कोशिश करके देख लेना, पुलिस आती ही होगी। सोच कर देखो, कोई भी ऑप्शन चुनते हैं। जाना तो तुम्हें जेल ही था, मगर मुझे लगा कि तुमसे मिलकर ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये सजा तुम्हें क्यों मिल रही है और ये सजा तुम्हें कौन दे रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकती हो। मैं ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ और करूंगी भी। जो कहानी में पुलिस को बताऊंगी वो उन्हें ज्यादा सच्ची लगेगी। तुम्हारी थोड़ी कच्ची रहेगी इस बार। वो चाकू छुआ के उसे छोड़ दिया ना अपनी उंगलियों के निशान, उसी से तो किया था सुजान का कत्ल। I'll kill you. मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने। काश तो मेरी जिंदगी में आई ना होती। ओए अब बहुत हो गए। I'll kill you. मार कड़ी से। बहुत दौड़ाया साले। राजा साहब की लाश वॉशरूम में है। उस तरफ अभी संग्राम हुकुम तो निकली है आगे, ले ले उसकी बॉडी। आपके पास वो सब कुछ है जिससे आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। अच्छा, बाकी है रात
हेलो, एक नॉवेल का आइडिया है मेरे पास. आर यू इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग इट? जी हाँ, कहानी तैयार है मेरी. नहीं बस प्यार यहाँ व्यापार किया, चूर कर गया सपने वो था जिसके नाम संसार किया, मौत लगी वो पीछे मेरे जिसको ना अंजाम दिया, भूतकाल ने दस्तक दे के पूरा इंतकाम लिया, जान लिया मान लिया कर्मा होता वाकई है, घंटों से भागू मैं फिर भी रात तभी बाकी है, बाकी है।